नमस्ते दोस्तों, वाईफाई सिर्रा में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बैक टॉपिक में पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में हमने पढ़ा थे कारण, जिसमें दो कारण हमने पढ़े थे, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। तो आज चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम 1857 की क्रांति का सांप्रदायिक कारण यानी सामाजिक कारण। 1857 की क्रांति के सामाजिक दृष्टि से क्या कारण रहे होंगे जिसे 1857 की क्रांति शुरू हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने कंप्लीट किया था उसके कारणों के बारे में, जिसमें अपने दो तीन चैप्टर पढ़े, और उसके बाद अपन शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे बड़ी अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई नीति थी, वो थी सांप्रदायिकता की नीति। कौन सी नीति? सांप्रदायिकता की नीति। देखिए, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है वह भावना। कौन सी भावना? वह भावना जो दो धर्मों के बीच विखंडन डाले। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। तो वैसी नीति शुरू कर दी किसने? अंग्रेजों ने। इसके बाद दूसरी, फूट डालो और राज करो, ये किस में आएगी? सामाजिक कारण। फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है जी। इसके बाद तीसरी नीति, भारतीय समाज में होने वाली प्रथाएं। अब देखिए, यह पक्ष अंग्रेजों ने भारत के लिए किया, भारत के पुनर्जागरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन भारतीय जो अंधविश्वासी लोग थे, जो भारत के सामान्य ग्रामीण वर्ग से उठने वाले लोग थे, उन्होंने उस कारण को विपरीत माना भारत के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भारतीयों के साथ जो प्राचीन प्रातन व्यवस्था थी, वैसी व्यवस्थाओं के साथ भारतीय बना रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया तो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा। तो उनमें सबसे पहले अपन मान सकते हैं सती प्रथा। क्या मान सकते हैं? सती प्रथा। यह 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा प्रतिबंध की गई। अब देखिए, वैसे देखा तो सती प्रथा भारतीय समाज सुधार के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और कारागार पद्धति थी, लेकिन भारत के वह ग्रामीण और सामाजिक पृष्ठभूमि से उठने वाले लोग जिनके लिए पद्धति जरूर राजाराम मोहन राय और शिक्षित और उच्च वर्गित लोग थे, उन्होंने ये माना कि भारत के लिए अच्छी थी, लेकिन जो भारत की हिंदुवादी सोच के रोग लेने वाले थे, उन्होंने सोचा कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों ने जो भारतीयों के साथ ये पद्धति शुरू की है, वो भारतीयों के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भारतीय धर्म का हनन करना चाहते, इसीलिए वो इस पद्धतियों पर धीरे धीरे नियंत्रण कर रहे हैं। तो पहले ही सती प्रथा, सती प्रथा के लिए जो सबसे बड़ा प्रयास किया वो अपने आधुनिक भारत के अग्रदूत राजाराम मोहन राय ने किया, और मोहन राय के प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में इसको प्रतिबंध कर दिया। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, देखिए यह पद्धति 1856 में, इसकी शुरुआत तो लॉर्ड डलहौजी ने कर दी थी, लेकिन यह पूर्णतः विकसित हुई, यह इसका पूरा काम कंप्लीट हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग का विशेष महत्व रहा। अब देखिए, इसमें जो भारतीयों के द्वारा सबसे बड़ा सहयोग रहा वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए, यह एक पद्धति भारत की जो विधवा थी उनके लिए तो अच्छी थी, लेकिन जो भारत के समाजवादी सोच के लोग थे, पुरातन सोच के थे, उन्होंने यह सोचा कि एक विधवा होती है वो अपने पति के पीछे अपना संपूर्ण जीवन समर्पण करती है, उसके बाद उसका विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस पद्धति को लागू किया गया। तो ये कुछ तीन चार कारण थे जिन कारणों से 1857 के क्रांति की सांप्रदायिक कारणों में गिने जाए। नंबर एक, सांप्रदायिकता की नीति, यानी धर्म के आधार पर हिंदुओं को और मुसलमानों के बीच विभाजन डालने की अंग्रेजों की नीति थी, वो सामाजिक कारणों में महत्वपूर्ण रही। दूसरी, फूट डालो और राज करो। मुसलमान एक तरफ तो अंग्रेजों को
अंग्रेज एक तरफ तो मुसलमानों को भी देकर मुसलमानों को सुरक्षित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो मुस्लिम लीग है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाया जाए, और दूसरी तो भारतीय व्यक्ति को कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे धर्म पर उपास कर रहे हैं उसके लिए। भारतीय समाज में होने वाली प्रथाएं जैसे सती, दो तीन प्रथाओं की अपने बात की, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ऐसी कुछ संस्थाएं थी या कुछ ऐसी समितियां थी जिन्होंने भारत सरकार की मिलकर और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर इन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। लेकिन प्रथा जरूर हैंडल की गई, लेकिन भारत के लोगों की सोच थी वो ये लगने लगी कि ब्रिटिशों ने यह प्रथा भारतीयों के धर्म को नष्ट करने के लिए की है। तो आइए दोस्तों, हमने सामाजिक कारण देखे, तो सामाजिक कारण में सबसे पहला सांप्रदायिक नीति, दूसरी फूट डालो राज करो, और तीसरी भारतीय समाज में होने वाली प्रथाएं जिन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत के जो हिंदूवादी सोच के थे, पुरातन सोच के थे, उन्होंने सोचा कि भारतीय धर्म का ईसाईकरण हो रहा है और भारतीय धर्म को नष्ट किया जा रहा है इसके कारण। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा, वो आएगा धार्मिक कारण। क्या आएगा? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण नंबर एक, सबसे पहला भारतीय हिंदू देवी देवता का उपास। भारतीय देवी देवता भी बोल सकते हो, भारतीय देवी देवताओं का उपास यानी व्यंग्य। जैसे ब्रिटिश ने कोई वस्तु तैयार की, चाहे हो पहनने के लिए शर्ट हो, चाहे वो जूते हो, तो उन पर भारत के जो देवी देवता थे उन देवी देवता का फोटो का अंकन कर दिया गया, और उस फोटो से साफ ये दर्शाना था कि जो भारत के देवी देवता वो निकृष्ट है ब्रिटिश की सोच के अनुसार, भारतीय देवी देवताओं का उपास। दूसरा, ईसाई साहित्य का प्रकाशन और प्रचार, ईसाई साहित्य का प्रकाशन और प्रचार। तीसरा, इसके विरुद्ध में इसके साथ ले सकते हो, तो भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य व पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध। ये तीन चार कारण थे जो सामाजिक दृष्टि से आएंगे। तो पहला भारतीय देवी देवता का उपास, दूसरा ईसाई साहित्य का प्रकाशन और प्रचार, और तीसरा भारतीय संस्कृति का, भारतीय जो साहित्य थे उसके जो पत्र और पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध। नंबर चार, संस्कृति का ब्रिटिशकरण, संस्कृति का ब्रिटिशकरण, जो भारत की संस्कृति थी उस पर कौन सी संस्कृति हावी होने लगी? ब्रिटिश की संस्कृति हावी होने लगी, इस कारण संस्कृति का ब्रिटिशकरण भी माना जाता है, जो 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और इस क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है, उस कारणों को हम कहते हैं सैनिक कारण। कि कौन कौन से सैनिक कारण रहे होंगे जिसे 1857 की क्रांति शुरू हुई? तो देखिए, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, निम्न पद, अमानवीय व्यवहार, क्या भारतीय सैनिकों को कम वेतन। जैसे जो ब्रिटिश के सैनिक थे और भारत के सैनिक थे उनके बीच अगर कंप्रोमाइज किया जाए, तुलना की जाए, तो उनकी बजाय भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता। अगर पद की तुलना की जाए तो भारतीय सैनिकों को नीचा का पद दिया जाता था। कहते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान तक या पहले तक किसी भी भारतीय सैनिक को सूबेदार से ऊपर पद नहीं दिया गया। अमानवीय व्यवहार, और सेना में जो भारत के और ब्रिटिश के सैनिक होते थे उन सैनिकों बीच पूरी तरह से अमानवीय तरीकों से व्यवहार किया जाता, पूरी तरह से मानवता नहीं थी। नंबर तीन, रंग रूट नियम। देखिए, पूछा गया यूपीएससी में रंग रूट नियम क्या है, लॉर्ड कैनिंग के कथन मत में बताइए। तो देखिए,
जैसे 1857 की क्रांति थी उस समय भारत का वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था, या तो आपको पता ही है। अब देखिए 1857 की जो क्रांति थी उसमें लॉर्ड कैनिंग ने एक नया नियम बनाया कि भारतीय सैनिक है अब उसे समुद्र पार युद्ध लड़ने जाना होगा। कहां पे जाना होगा? समुद्र पार युद्ध लड़ने जाना होगा, समुद्र पार युद्ध लड़ने, समुद्र पार युद्ध लड़ने उन्हें जाना होगा। जब वो समुद्र पार युद्ध लड़ने जाएंगे तो इसके दो रीजन भारतीयों के धर्म का उपास करने होंगे। पहला तो यह है कि हिंदू धर्म का नियम था कि जो समुद्र पार यात्रा है वो हिंदू धर्म में शुभ नहीं मानी जाती है, और दूसरी जो समुद्र पार यात्रा करेंगे, समुद्र पार जो यात्रा करेंगे उस यात्राओं का जो अतिरिक्त भत्ता होता है, जो एक्स्ट्रा पे होता है, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दया नहीं था, अतिरिक्त भत्ता दया नहीं था। इस कारण भारतीय सैनिकों ने इस प्रथा का विरोध किया। तीसरा, सैन्य में यूरोपियों की बजाय, सेना में यूरोपियों की बजाय भारतीय सैनिकों का ज्यादा अनुपात, भारतीय सैनिकों का ज्यादा अनुपात, ज्यादा अनुपात, यानी जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की बजाय भारतीय सैनिकों का अनुभव ज्यादा था। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो किसी अगर सेना की टुकड़ी में अगर हम भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक की बात करें तो 1857 की क्रांति से पहले अगर एक सेना की अगर रेजिमेंट है तो उसका भारतीय सैनिकों का अनुपात और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात बात करें तो 4:2 था, यानी भारतीय 4 और ब्रिटिश की तरफ से 2 थे। ये कारण, सैनिक कारण थे जिसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो भारतीय सैनिकों को कम वेतन, निम्न पद और अमानवीय व्यवहार, रंग रूट नियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, समुद्र पार यात्रा या समुद्र पार युद्ध करने का उनका प्रमुख उद्देश्य बना दिया गया। इस दौरान न तो उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता और उसके साथ भारतीयों में हिंदू सैनिक थे उनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात की बात की जाए तो भारतीय सैनिकों का अनुपात था और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात की बजाय ज्यादा था। अगर हम दोनों के अनुपात की बात करें तो 4:2 था। यह तो 1857 की क्रांति की सैनिक कारण थे। अब बात करेंगे हम 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण। दोस्तों समझ तो आ रहा ही होगा आपको, तत्कालिक कारण। अब देखिए तत्कालिक कारण वो महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसके कारण उस क्रांति को शुरू होना ही अहम माना जाता है और उस क्रांति की शुरुआत का मुख्य, इन छोटे लेवल से देखें तो शुरुआत का सबसे प्रमुख कारण होता है वो था तत्कालिक। अब देखिए तत्कालिक कारण की बात करें तो सीधे शब्दों में हम कहते हैं चर्बी लगे कारतूस। क्या कहते हैं? चर्बी लगे कारतूस। अब इतने से तो हम उस वाक्य को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, जब 1857 की क्रांति से पहले, यानी क्रांति से पहले जो भारतीय सैनिकों को बंदूक दी जाती थी उस बंदूक का नाम था ब्राउन बिश। क्या नाम था? ब्राउन बिश। और बाद में यानी 1857 के, यानी कहने का मतलब 1856 तक जो बंदूक दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बिश। 1856 के बाद यानी 1857 के शुरुआती महीनों में लॉर्ड कैनिंग ने एक नई बंदूक दे दी, यानी 1856 के अंत में भी कह सकते हैं, उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। अब देखिए विवाद इस बात को लेकर था कि जो एनफील्ड राइफल, उसमें विवाद क्या था। अब देखिए जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस था, क्या था? जो कारतूस था उस कारतूस में दो दो पशु की चर्बी कह सकते हैं अपन, एक पशु की चर्बी थी वो गाय की और दूसरे पशु की चर्बी थी सुअर की। अब देखिए गाय पौराणिक साहित्य के अनुसार हिंदू के लिए एक प्रसिद्ध है, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए या मुस्लिम के लिए एक प्रसिद्ध या उनके लिए फेमस पशु होता है। अब देखिए गाय की जब चर्बी लगी होती तो किसका धर्म भ्रष्ट हो रहा था? हिंदू का। और उसी कारतूस में जब
सुअर की चर्बी लगी तो किसका भ्रष्ट धर्म हो रहा था? अब अपने दिमाग में धर्म भ्रष्ट कैसे हो रहा? जो ये कारतूस था कौन सी? एनफील्ड राइफल का। जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। जब मुंह से खोलेंगे तो हिंदू गाय के मांस से अपना मुंह स्पर्श होंगे और मुसलमान सूअर के मांस से अपना मुंह स्पर्श होगा, यानी उनके दांत स्पर्श। तो उनके कारण उन दोनों का धर्म क्या हो रहा था? भ्रष्ट हो रहा था। और इसी के कारण 1857 की क्रांति की सैनिक विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत हो जाती है बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में है। और हम इस घटना की बात करते हैं तो सैनिक विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, तो देखिए बात करते हैं। जो स्थान था उस स्थान का नाम था बैरकपुर। अगर हम बैरकपुर की बात करें तो बैरकपुर छावनी है पश्चिमी बंगाल में। कहां है? पश्चिमी बंगाल में। अगर यहां हम सैनिक विद्रोह की बात करें तो बात डेट थी वो थी 29 मार्च 1857। देखिए इतिहास एक विशिष्ट विषयों में विशिष्ट विषय है। हम अमूमन उलझन में रह जाते हैं इतिहास से, सन से, तो बहुत ही कम ऐसी बातों से विचलित होना चाहिए। तो 29 मार्च 1857 जो रेजिमेंट थी उसको हम कहते हैं 34वीं रेजिमेंट बंगाल इन्फेंट्री। और अगर हम इस इन्फेंट्री के जवान की बात करें तो उस जवान या सैनिक का नाम था मंगल पांडे। अब देखिए जैसे चर्बी लगे कारतूसों का बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल के सैनिक मंगल पांडे मुंह से छूने से मना कर देता, यानी इन कारतूसों को मुंह से छूने से मना कर देता और क्या कर देता है? विद्रोह कर देता। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता। अब जैसे ही विद्रोह होता है तो ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबाने के लिए जो 34वीं रेजिमेंट है इसको क्या कर देती है? भंग कर देती है। जो 34वीं रेजिमेंट है इसको भंग कर देती है या इसका विघटन कर देती है, यानी इसको समाप्त कर देती है। अब जैसे ही समाप्त कर देती है तो मंगल पांडे सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और उसी दौरान वो दो अंग्रेज अधिकारी हुसन और बाग की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और हुसन और बाग की हत्या के आरोप में, किसके? हुसन और बाग की हत्या के आरोप में जो मंगल पांडे था उस मंगल पांडे को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो देखिए विद्रोह कब करता है? 29 मार्च 1857। अब उसी के बाद उसको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857। और कहां पे दी जाती है? छिप्रा नदी तट पर। किस नदी पे? छिप्रा नदी तट पर। अगर हम छिप्रा नदी के तट की वर्तमान बात करें तो छिप्रा नदी के वर्तमान तट पे स्थित है वो नगर है उज्जैन नगर। तो देखिए हम बात कर रहे थे सैनिक विद्रोह की, तो सैनिक विद्रोह की जो स्थान था वो बैरकपुर पश्चिमी बंगाल था। यहाँ की जो सैनिक विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो वो थी 29 मार्च 1857। और अगर हम रेजिमेंट की बात करें तो वो रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट। अगर रेजिमेंट की हम सैनिक की बात करें तो वो सैनिक थे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने क्या किया कि जो चर्बी लगे कारतूस थे उसको डांटते सुने थे मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। जैसे उनको विद्रोह कर दिया तो 34वीं रेजिमेंट को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। उस दौरान मंगल पांडे ने हुसन और बाघ की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हुसन और बाघ की हत्या कर दी। अब में आता है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई कब? 8 अप्रैल 1857। किस नदी के तट पर? छिप्रा नदी के तट पर। और छिप्रा नदी किसके कहां है? उज्जैन। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा विस्तार, उसको अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। लेकिन ये दो लक्ष्य होना चाहिए।
वीणा वाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। यदि अंधकार से लड़ने का संघर्ष नहीं कर देता है तो एक अंधकार जरूर संघर्ष का भर देता है। सबसे पहले मैं सुभाष जी का उनकी पूरी दृष्टि का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपको भी यही आवश्यकता है, मेहनत विश्वास नहीं होते थे, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे मित्र हो, साथी हो, उसका विश्वास नहीं होने दे। मेहनत करें, लगन के साथ में करें, एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उस लक्ष्य से आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय माननीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान विनोद जी चौहान साहब को ये आपकी श्रीराम कोचिंग का अहोभाग्य सौभाग्य है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा, आपके संस्थान में भी आरएस के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, रीट के लेवल फर्स्ट सेकेंड के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पटवार भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे मंत्री महोदय पूरा लगभग राजस्थान का विद्यार्थी आपके यहाँ पर है। और दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आपके पास कुछ दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप दीवारों पर, जब इनकी मंजिल इनको मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि मेरी टीम लगभग सारी वही टीम है जो जिस एग्जाम की क्लासेस वो ले रहे हैं उस एग्जाम के नजदीक एकदम नजदीक तक जाकर आए हुए, क्योंकि बिना योगे टीम के कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। और अब मैं कहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, काफी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट और आ रहे हैं और काफी मेरे साथी यहाँ पर अपने कार्य को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं, आप एक एक की शक्ल आप देख सकते हैं, ये सब आपके शिक्षा के नुमाइंदे हैं और अपने आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात ये कर रहे हैं। और इसमें हमारी टीम श्रीराम टीम पूरी अपने तन मन धन से समर्पित है, प्रबल रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करने का हमें मौका दिया। और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया, जो चुनिंदा टिप्स दी है हम उन टिप्स का अनुरोध पालन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।
का ये तो बड़ी सफलता का दिन आ रहा है प्रॉपर। थैंक यू, मैं चाहूंगा शानदार तालियां लो। उस पानी में डाल जबरदस्त उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरु ये आपने क्या किया, मैं तो क्या किया और आपको उल्टा मेरा तो मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल नाश में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त होनी थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। जन है विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपकी विजय के लिए।